इनकी जो विलादत है वो है सन 164 हिजरी में। कौन से सन में? सन 164 हिजरी में पैदा हुए। अल्लाह ने इनको भी बहुत बड़ा दर्जा अता फरमाया। ये चौथे नंबर के, पहले नंबर में कौन इमाम थे? इमाम अबू हनीफा। कौन से सन में पैदा हुए थे? 80 में। दूसरे नंबर पर इमाम मालिक। कौन से सन में आए थे? 93 में। तीसरे नंबर पर इमाम शाफी। कौन से सन में पैदा हुए? 150 में। और चौथे नंबर पर इमाम अहमद बिन हम्बल, और इनकी विलादत है सन 164 में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार जो है तरतीब इनकी, इनकी पैदाइश के सवाल से जो आदमी पैगंबर के जमाने के जितना नजदीक होगा हम उसको उतना अफजल दर्जा अदा करेंगे। पैगंबर के नजदीक होना ये बहुत बड़े दर्जे की बात है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बड़े कमाल के आदमी। हजरत ने इल्म का इतना शौक था, इतना शौक था, और पढ़ाई में और पैगंबर की हदीसों में ऐसे लगे रहते थे कि हजरत ने निकाह भी जो फरमाया उस वक्त इनकी उम्र मुबारक थी 40 साल। कितनी उम्र में? 40 साल में। इनके बारे में उलमा ने लिखा कि अपनी किताबों ही से फुर्सत नहीं मिल सकी कि निकाह की तरफ तवज्जो फरमा लेते, मौका ही नहीं मिला निकाह करने का। आप गौर फरमाए कि कैसे फर्ज रहे होंगे। तो 40 साल की उम्र में पहुंच करके हजरत इमाम मालिक ने निकाह फरमाया, लेकिन निकाह बड़ा बरकती हुआ है। और फिर उसके बाद जो औलादे हुई हैं, अल्लाह ने एक लड़की और 8 लड़के अता फरमाए हैं। कितनी? 1 लड़की और 8 लड़के। हम और आप होते तो 4 होने के बाद बेगम साहब फैमिली प्लानिंग पे अमल कर लेना चाहिए। इतनी लंबी टीम को कहाँ सुलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? हमारा और आपका दिमाग। इमाम अहमद बिन हम्बल का तो अकीदा यही था ना कि रब्बुल आलमीन अल्लाह है, मुझे क्या टेंशन। फरमाया कि 40 साल की उम्र में निकाह किया, और अगर आजकल 20 साल की 25 साल की उम्र में निकाह हो जाते हैं, और माशाल्लाह 2 और 4, 2 के ऊपर पहुंच करके के बस छोड़ो, बहुत बच्चे हो गए, अब और नहीं कर ले। अब बाकायदा बच्चों के लिए मशवरा होता है कि भाई कितने मुनासिब रहेंगे, इतने हमें यह मशवरा करना, ये तो अल्लाह का निजाम है, जितने अल्लाह ने मुकद्दर फरमाया वो करके रहेंगे, हम और आप क्यों टेंशन ले लें। खैर मैं अर्ज ये कर रहा कि 40 साल की उम्र में निकाह फरमाया और लड़के कितने हुए? 8 लड़के और लड़की 1 लड़की अल्लाह ने अता फरमाई। उसके बाद अगली चीज समझे कि आप ये सोच रहे होंगे कि 8-8 लड़के 1 लड़की तो बस ये तो निकाह करने के बाद में अहलिया से ही ज्यादा ताल्लुकात में लगे रहते होंगे। ऐसा नहीं है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की एक दिन की नवाफिल की तादाद उलमा ने लिखी है कि रोजाना 300 रकअत नफिल पढ़ते थे। कितनी नफिल? 300 रकात नफिल अदा करते थे, फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ करके 300 रकात नफिल। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कैसे दर्जे के आदमी रहे हुए। और रात की मजबूरियत, फरमाया कि रोजाना हर रात में कुरान पाक की एक मंजिल पढ़ने का मामूल था, 7वें दिन रात में कुरान खत्म करवाते थे। ये हाल था हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की इबादत का। और दिमाग और जहन और हाफिजा कैसा था? फरमाया कि 1,00,000 पैगंबर की अहादीस जबानी याद थी, 1,00,000 हदीसों के हाफिज। कई मजलिस के अंदर बिठा दो तो ऐसे सुनाते थे 1,00,000 हदीस जैसे सूरह फातिहा और आप पढ़ते। हमें 30वां पारा याद करने में हालत खराब होती है। इमाम अहमद बिन हम्बल 1,00,000 हदीसों के हाफिज थे। और किताब तहरीर फरमाई है हदीस पाक के ऊपर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की अजीब व गरीब किताब है, अभी छप करके आई है हमारे यहाँ पर। उनकी किताब जो छपी है तो उसकी जिल्दों की जो तादाद बनती है, जो लिखी है उन्होंने कई जिल्दों के अंदर, उसकी जिल्दों की तादाद है 50।
50 جلدوں کے اندر ایک کتاب چھپ کر کے آئی ہے, امام احمد بن حنبل. اتنی موٹی زبین کتاب ہے, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی ہے, لکھی ہے. لیکن یہاں بھی میں آپ کو سہارنپور کا ایک کمال بتلا دوں سہارنپور والوں کو, امام احمد نے اتنی موٹی کتاب ہمارے قد کے برابر لکھ تو دی ہے 50 جلدوں میں, 50 والیوم کے اندر. ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرفدہ جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا تھا, حضرت رحمت اللہ علیہ, ہم ان سے جب سبق پڑھ رہے تھے حضرت نے عجیب جملہ فرمایا. ایک حدیث سے پاس آئی, حضرت پڑھا رہے تھے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے, حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کہ جو حدیث تم نے پڑھی ہے نا, اس حدیث سے پاک کو میں نے امام احمد کی کتاب میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑی تھی تو 3 مرتبہ پوری کتاب کو پڑھنا تھا. ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے 50 کی 50 جلدیں پڑھ ڈالی تھی. اور فرمایا کہ پہلی مرتبہ میں جب پڑھی تو نظر میں نہیں ٹکرائی حدیث, دوسری بار پوری 50 جلدیں, تیسری بار پڑھی تو اللہ نے حدیث مل گئی. فرمایا ایک حدیث کے لیے میں نے پڑھا. تو امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے اتنی بڑی, لیکن ہمارے یہاں کے علماء نے ماشاءاللہ اس کو پڑھا ہے 3 مرتبہ. یہ اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ان حضرات علماء کرام کی قربانیاں اور ان کی محنتیں جو ہم اور آپ ان کے جنازوں کو دیکھ کر کے رش کرتے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. انہوں نے زندگیاں لگائی اللہ کے دین کے لیے, اللہ نے دنیا میں قبولیت عطا فرما دی, محنتیں کی ہیں. تو یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا ہے, اور انتقال سے پہلے فرمایا کہ مجھے اب تک 99 مرتبہ اللہ کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے امام احمد بن حنبل کو. اور جب 99 مرتبہ زیارت ہو گئی, آخری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ احمد بن حنبل اب انشاءاللہ اصلی جگہ ملاقات ہوگی. فرمایا کہ 100 مرتبہ رہ گئی, 99 مرتبہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر درج فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. اب کیسی زیارت تھی, کیا ترتیب تھی, وہ ہمیں نہیں جب پتا, اللہ جس طرح بھی کراتے ہوں گے واللہ اعلم, لیکن اللہ نے یہ اعزاز حضرت امام احمد بن حنبل کو عطا فرمایا. تو یہ ہے وہ 4 امام جن کی ہم اور آپ بات مانتے ہیں. اب یہ آزاد گرتا ہمارا, اس بیچارے کا کیا کہنا, کہتا ہے نا